जगन्नाथ, जय श्री श्याम। क्रांति उड़ीसा मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं नंदकिशोर जोशी। सभी दर्शकों से अनुरोध है कृपया इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सर्वप्रथम सभी सनातनी बंधुओं को कार्तिक पूर्णिमा की अशेष अशेष बधाई। ये कार्तिक महीना जो है वो सभी सनातनियों के लिए, हिंदुओं के लिए एक बहुत बड़ा ही पवित्र महीना माना गया है। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कार्तिक पूर्णिमा के ऊपर, विशेष कटक में बल यात्रा महोत्सव पर। हजारों साल के पहले उड़ीसा के जो व्यवसायी वर्ग हैं, व्यवसायी लोग हैं, वो लोग यहाँ से इसी दिन पवित्र कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही वो लोग आरंभ करते थे अपनी व्यवसायिक यात्रा, नौकाओं पर सवार होकर, और जाते थे साउथ ईस्ट एशिया में, अर्थात दक्षिण पूर्व एशिया में, जैसे म्यांमार, जो आज का बर्मा है, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया इत्यादि जगहों पर। और सबसे ज्यादा उनका जो जाना आना होता था वो इंडोनेशिया पे ही होता था। इंडोनेशिया जो नाम है वो एक्चुअली आधुनिक नाम है, पहले इंडोनेशिया नाम नहीं हुआ करता था, और बाली सुमात्रा जावा, बाली सुमात्रा जावा इत्यादि नाम से वो जाना जाता था। अब आजकल शायद पिछले 50-60 साल में उसका नामकरण हो गया इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया के संदर्भ में, इंडोनेशिया चूंकि बाली, मतलब ये जो बाली यात्रा की मैं जो आज आपके सामने चर्चा करने जा रहा हूं, बाली इंडोनेशिया का एक प्रमुख भाग है, प्रमुख हिस्सा है, और वहीं पर शायद ज्यादा कारोबार होता था उड़ीसा के व्यापारियों के द्वारा। आज से सैकड़ों नहीं, हजारों साल पहले से शुरू हो गया था वो कारोबार। और चूंकि बाली की तरफ, बाली ही जाते थे ज्यादातर लोग, यहाँ के उड़ीसा के व्यापारी नौकाओं पर, जो देसी नौकाएं हैं उसके ऊपर सवार होकर जाते थे, और आज के ही दिन आरंभ होती थी उनके नौकायन, नौका यात्रा, व्यवसायिक यात्रा, व्यापारिक यात्रा, जो भी कहें, और वो शायद महीनों महीनों बाद ही पहुंचते थे वहां पर, और स्पाइसेस लेके जाते थे, ये जो मिर्च मसाला जो हम लोग बोलते ना, जैसे जीरा, धनिया, मिर्चा वगैरह सब लेके जाते थे उड़ीसा से। और उड़ीसा से जो व्यापारी लोग जाते थे, और फिर वापसी में वो लोग वहां पर जो व्यापार करते थे इंडोनेशिया में, बाली सुमात्रा जावा में विशेषकर, फिर वहां से वापसी में भी काफी सामान वगैरह लाते थे और यहाँ उड़ीसा के बाजारों में बेचते थे। इस तरह उनका दोनों तरफ से ही व्यापारिक लेन देन का काम आज से नहीं, सैकड़ों हजारों साल से चल रहा था। यहाँ से जो व्यापारी लोग जाते थे वो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को भी साथ में लेके जाते थे। इसलिए आप देखिए थाईलैंड में, उसका जो पुराना ऐतिहासिक नाम है श्याम देश, वहाँ श्याम देश जो आज थाईलैंड है, वहां पर भी बहुत सारे हिंदू मंदिर और बहुत सारे बौद्ध मंदिर भी पाए जाते हैं। उसी तरह म्यांमार में भी ऐसी बात है, वहां भी काफी हिंदू मंदिर और बौद्ध मंदिर पाए जाते हैं। कंबोडिया में तो दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है कंबोडिया में। और फिर इंडोनेशिया की जब हम बात करें तो इंडोनेशिया में तो उसकी इंडोनेशिया सरकार की जो एयरलाइंस का नाम है उसका नाम ही गरुड़ है, जो भगवान का वाहन है उसी के नाम से गरुड़ एयरलाइंस, वहां की सरकारी एयरलाइंस का नाम है गरुड़ एयरलाइंस। और वहां की जो मुद्रा है, मतलब वहां के जो नोट, करेंसी नोट है, उस पर गणेश जी की फोटो लगी हुई है, गणेश जी का छाप लगा हुआ है। और वहां एक जो बहुत सारे प्रांत है, वहां भी एक प्रांत में तो, जो बाली प्रांत है विशेषकर, उसमें तो 95% से ज्यादा हिंदू लोग ही रहते हैं वहां पर, बाकी पूरे इंडोनेशिया में भी है, लेकिन एक प्रांत जो एक राज्य में तो 95% से ज्यादा लोग हिंदू रहते हैं वहां पर। और रामायण की वहां पर 12 महीना मंचन होता है, रामायण नाम का, मतलब जैसे को हम लोग बोलते हैं नाटक होता है, यात्रा होती है, रामलीला होती है, वैसे 12 महीना रामलीला वहां आयोजित होती रहती है इंडोनेशिया में, जबकि वो एक इस्लामिक राष्ट्र है। और दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमानों की संख्या, आबादी इंडोनेशिया में ही है, आज के दिन की बात कर रहा हूं मैं। उसके बावजूद भी वहां पर, मतलब जो मुसलमान लोग भी हैं, जो शासक लोग भी हैं, जो नेतागण हैं,
वो सारे के सारे उदार प्रवृत्ति के हैं। तभी तो एयरलाइंस का नाम गरुड़ रखे हैं, तभी तो अपने करेंसी नोट के ऊपर गणेश जी का छाप रखे, गणेश जी की फोटो रखे हैं, और एक प्रांत में तो 95% से ज्यादा हिंदू है, रामलीला का मंचन वगैरह होता ही रहता है वहां पर, और हिंदू संस्कृति की छाप आप पूरे इंडोनेशिया में भी देखने को मिलेगी। ये जो इंडोनेशिया की जो बात मैंने आपको विशेष मैं कह रहा हूं, उसके पीछे उड़ीसा की ही बात है, उड़ीसा का ही प्रभाव है, जो सैकड़ों हजारों साल से उड़ीसा के लोग यहाँ जो व्यापार की दृष्टि से जो नौका पर बैठकर मिर्च मसाला जो लेके जाते थे और वहां बेचते थे, वहां से फिर रिटर्न में भी कुछ कुछ लेके आते थे, उसी इसी के लिए ही वहां पर सनातन संस्कृति, हिंदू संस्कृति वहां पहुंची और आज भी देखने के लिए काफी मिलती है। अब एक और बात बता रहा हूं, पिछले साल जिससे इस साल अभी जो 2-3 महीना पहले G20 शिखर सम्मेलन हमारे देश में आयोजित हुआ, उसके पहले इंडोनेशिया में आयोजित हुआ था पिछले साल, एक साल के पहले, और उस G20 शिखर सम्मेलन के समय लगभग ये जो बाल यात्रा के जो समय है ये हर साल यहाँ पर नवंबर महीने में करीब करीब आता है, तो लगभग इसी समय इंडोनेशिया में G20 का शिखर सम्मेलन चल रहा था पिछले साल, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे इंडोनेशिया में भारत की तरफ से। उस समय इन्होंने अपने संबोधन में भी कहा कि भारत इंडोनेशिया विशेषकर उड़ीसा के साथ में हजारों सैकड़ों हजारों साल से इंडोनेशिया का सांस्कृतिक व्यापारिक संबंध रहा है, और विशेषकर उन्होंने जोर देकर कटक बाली यात्रा की भी कटक बाली यात्रा का नाम भी उल्लेख किया है, विशेषकर कि अभी कटक में बाली यात्रा चल रही है और अभी इसी समय में आ रखा हूं इंडोनेशिया में। मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कटक बाली यात्रा का उल्लेख इंडोनेशिया की धरती पर किया है, इससे भी साफ साफ मालूम होता है बाली यात्रा की ऐतिहासिकता, बाली यात्रा की प्रासंगिकता, इसे भी साफ साफ झलकती है। अब मैं यहां पर जो बाली यात्रा का जो आयोजन होता है उसके बारे में मैं कहूंगा। ये कटक में जो बारावटी दुर्ग है, बारावटी फोर्ट, और उसके ठीक सामने है बारावटी स्टेडियम जहां क्रिकेट मैच वगैरह होते रहते हैं, उसी के बीच में बहुत बड़ा मैदान है जो कटक का सबसे बड़ा मैदान है, उसको बोला जाता है बाली यात्रा मैदान, और उस बाली यात्रा मैदान में हम लोग तो बचपन से यहाँ पर बाली यात्रा में जाना आना, 8 दिन व्यापी ये मेला लगता है यहाँ पर, जो कार्तिक पूर्णिमा आज के दिन से ही आरंभ होते हैं वो मेला, आज के दिन से ही आरंभ होता है बाली यात्रा मेला और 8 दिन चलता रहता है। तो उस ऐतिहासिक बाली यात्रा महोत्सव जो आरंभ होता है आज के दिन से, वो पहले बारावटी फोर्ट और बारावटी स्टेडियम के सामने जो खुला मैदान है वहीं पर ही आयोजित होता था, लेकिन उसकी काया आस्ते आस्ते धीरे धीरे विस्तार लेने लगी और अब वो एक्सपांशन होके वो महानदी के अंदर, महानदी भी एक्चुअली पानी क्या है कि आस्ते आस्ते घटता गया, कटक में जो आगे महानदी के तट पर पानी सीढ़ियों पर लगता था वो चला गया, कम से कम भी 200-300-400 फीट आगे चला गया पूर्व उत्तर की तरफ, तो वो जो विस्तृत मैदान मिल गया है वहां विस्तृत मैदान में आजकल बाल यात्रा लगती है, जिसको उड़िया में यहाँ पर बोलते हैं, ये तो पुराना जो ऐतिहासिक ग्राउंड है बाल यात्रा का उसको बोलते हैं ऊपर पड़िया, और नीचे को बोलते हैं तौला पड़िया, माने नीचे का पड़िया, नीचे का मैदान है, और आजकल ऊपर पड़िया में ऊपर के मैदान पर जितनी दुकानें, जितनी स्टॉल वगैरह, और जो प्रदर्शनी सरकार की तरफ से भी जितनी उड़ीसा सरकार की एजेंसियां हैं सब भी अपने अपने विभागों की वहां पर प्रदर्शनियां लगाती हैं, भारत सरकार की तरफ से भी बहुत सारी प्रदर्शनियां यहां पर लगती हैं, और नीचे जो तौला पड़िया है जो उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा है, उसमें तो ओरमास नाम की जो संस्था है वहां जो SSG ग्रुप है, मिशन शक्ति ग्रुप, जो महिलाओं को सशक्त करने के लिए उड़ीसा सरकार भी काफी फोकस कर रही है, भारत सरकार भी काफी फोकस कर रही है, तो वहां मिशन शक्ति बाजार लगता है, इस बार वो लगेगा कटक इन कटक पेविलियन के अंदर, और ओरमास नाम की जो संस्था है जो महिलाओं का सशक्तिकरण का काम यहाँ पर उड़ीसा में देखती है, वहां सैकड़ों स्टॉल लगते हैं, सारे प्रदेशों, भारत के सारे प्रदेशों के महिला सशक्तिकरण के तहत जितनी भी सब स्टॉल वगैरह वहां से आती है वहां यहाँ पर वो उनको जगह दी जाती है फ्री में, 8 दिन वो लोग यहाँ पर अपना अपना स्टॉल लगाती है महिलाएं, सारे भारतवर्ष की सभी स्टेट से आती है, और करीब 300-400 स्टॉल लगती है, उसमें उड़ीसा की तो कम से कम 100-150 स्टॉल, बाकी पूरे भारत के प्रत्येक राज्यों से स्टॉल आती है, महिलाएं लेके आती है, और महिलाओं का सशक्तिकरण का काम वहां होता है, और महिलाओं से संबंधित जितने भी छोटे मोटे जो प्रोडक्ट है
अचार, बड़ी, पापड़, मिर्च, मसाला। और आजकल एक उड़ीसा में अभी खूब चल रहा है, सारे भारत में भी चल रहा है, खासतौर पर उड़ीसा में की बात मैं कहूंगा, मांडिया, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मिलेट। वो मिलेट मिशन के तहत मांडिया का सब कुछ आजकल उसमें काफी ताकत रहती है, विटामिन युक्त होता है उसके तहत, उसकी मिलेट की बिस्किट्स और जितने भी खाद्य पदार्थ जो दूसरे गेहूं आधारित जो भी खाद्य पदार्थ है या चावल आधारित जो भी खाद्य पदार्थ हम लोग मार्केट में देखते हैं, वो सारे के सारे प्राय आजकल मिलेट आधारित पदार्थ भी बाजार में धीरे धीरे आने लग गए हैं। और उड़ीसा गवर्नमेंट का काफी फोकस भी रहता है और सब चीज मिलेट्स आधारित आजकल दे रहे हैं। उड़ीसा गवर्नमेंट तो उसको काफी प्रमोशन दे रहा है, यहाँ कटक में भी, कलेक्ट्रेट में भी मिलेट की सब चीजें मिलने लग गई है, भुवनेश्वर में सेक्रेटरीट में भी मिलती है, कटक में तो और दो तीन जगह भी मिलती है। मतलब क्या है कि इस मेले के बहाने सरकार लोगों के साथ में जुड़ती है और लोगों को जोड़ती है, मैं ये भी शब्द कहूंगा, लोगों को जोड़ती है। और हर दिन यहाँ हजारों क्या लाखों की संख्या में लोग वहां मेले में आते हैं और जबरदस्त भीड़ रहती है। और नेता, भारत के बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री भी लोग आते हैं, उड़ीसा के तो सब मंत्री लोग आते ही हैं सारे, मतलब एक तरह से देखा जाए तो बहुत बड़ा ये 8 दिन व्यापी जो यहाँ मेला लगता है, बहुत जबरदस्त मेला लगता है। लाखों लाखों लोग पूरे उड़ीसा से आते हैं, उड़ीसा के बाहर भी आते हैं। और बड़ी बड़ी कंपनियों को भी एक मौका मिलता है अपनी प्रोडक्ट का डिस्प्ले करने के लिए। और कटक महानगर निगम इसकी साफ सफाई का जिम्मा लेती है और कटक के लोगों के अंदर में तो बालयात्रा मतलब एक उत्सव का सा माहौल यहाँ पैदा करती है। और जो नई नए प्रोडक्ट हैं कंपनियों के द्वारा या सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा, वो उन कंपनियों को, उन प्रोडक्ट को लॉन्चिंग का ग्राउंड भी बालयात्रा मुहैया कराता है। मतलब कहने का कि सभी दृष्टि से ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है भारत के लिए, उड़ीसा के लिए। और ये चूंकि ऐतिहासिक यादगार दिखा रहा है, इसी दिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही चूंकि बाली के तरफ यात्रा हुई थी, इसलिए इसका नाम दिया गया बाली, बाली यात्रा। और आज एक सुखद बात यह भी है कि भारत की राष्ट्रपति महामहिम आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ये भी उड़ीसा में पहुंची हुई है। और पारादीप जो पहले कटक जिले में ही आता था, अब जगत सिंहपुर जिला बन गया है, वहां पर ये बोईतो बंधन जिसको उड़िया में बोलते हैं, मतलब नौका के, नौका को पानी में छोड़ना, मतलब पहले जो पानी में जो नौकायन जो होता था, आजकल तो नौकायन से कोई जाता नहीं इतना दूर, लेकिन सिंबोलिक तौर पर उसके प्रतीक के स्वरूप जो कागज से बनी नावें जो है और सोल पर आधारित है उनको यहाँ पर छोड़ा जाता है। स्वाभिमान की निशानी भी है वो, कि भाई यादगार भी है, स्वाभिमान की निशानी भी है। और बहुत बड़ा महोत्सव आजकल पिछले करीब 25-30 साल से पारादीप में भी, जो पोर्ट सिटी है उड़ीसा का, पारादीप में भी बोईतो बंधन का उत्सव यहाँ पर आयोजन होता है। और आज सुखद बात है कि भारत की राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू भी वहां पहुंची हुई है और वो वहां पर शुभारंभ भी उनके कार्यक्रमों द्वारा हो चुका है और वहां भारत सरकार, उड़ीसा सरकार की उपस्थिति भी देखने को मिली है। तो ये जो बाल यात्रा की मैंने आपको संक्षिप्त जानकारी दी है, इसके बारे में और भी मैं बताऊं कि यहाँ जो जितने भी लोकल प्रोडक्ट्स हैं, लोकल गवर्नमेंट है, लोकल प्रोडक्ट्स हैं, उनको डिस्प्ले करने का, बेचने का भी बहुत बड़ा सुअवसर है। एक और उड़ीसा के संदर्भ में मैं बताऊं कि जब इंडो, पूरा आधे से ज्यादा दुनिया में ब्रिटिश का राज था, ब्रिटिश, फ्रेंच, ये लोग, इन्हीं लोगों का राज था, तो उस समय जो विदेशी ताकतें जो इंडोनेशिया पर हावी थी, काबिज थी, वहां भी स्वाधीनता संग्राम चल रहा था जैसे भारत में चल रहा था। तो वहां के स्वाधीनता संग्राम को सपोर्ट करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू के कहने पर या आदेश देने पर बीजू पटनायक जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर भी थे, विशिष्ट स्वाधीनता संग्रामी थे, और उन्हीं के सुपुत्र अभी 23 साल से यहाँ पर मुख्यमंत्री पद पर बैठे हैं और उड़ीसा का शासन भार अच्छे से संभाल रहे हैं, उन्हीं बीजू पटनायक, वो बहुत बड़े पायलट भी थे, बहुत साहसी पायलट थे। नेहरू जी ने कहा बीजू पटनायक को कि आप वहां के जो स्वाधीनता संग्राम के सबसे बड़े नेता थे, वो संकट में घिरे हुए थे, यहाँ पर भारत को में खबर आई, तुरंत उन्होंने पायलट के हिसाब से एक यहाँ पर डेकोटा, उनकी खुद की प्लेन थी डेकोटा, बीजू पटनायक और उनकी पत्नी जो नवीन पटनायक के मुख्यमंत्री की माता जी है, वो दोनों के दोनों यहाँ से वो पायलट के हिसाब से प्लेन लेके गए और वहां इंडोनेशिया पर उतारे और वहां के जो सबसे बड़े स्वाधीनता संग्रामी थे उनको भारत लेके आए। तत्पश्चात इंडोनेशिया स्वाधीन हुआ और इंडोनेशिया ने भी
भारत के जो ये जो ऋण जो भारत का उस पर चढ़ गया, इंडोनेशिया ने भी उसको बराबर याद रखा एवं बीजू पटनायक को वहां पर बुलाकर, जैसे भारत में भारत रत्न सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है, वैसे इंडोनेशिया में सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है भूमि पुत्र अवार्ड। बीजू पटनायक को भूमि पुत्र अवार्ड से नवाजा गया इंडोनेशिया सरकार की तरफ से, आज से बहुत सारे माने करीब 30-40 साल पहले की बात है। एक और बात मैं आपको बताऊं कि आपकी जो प्रिय क्रांति उड़ीसा मीडिया है, पिछले साल सॉरी पिछले साल नहीं इसी साल मार्च में इंडोनेशिया के राज परिवार के राजा एवं उनके युवराज, वो दोनों हमारे यहाँ पर आए थे क्रांति उड़ीसा मीडिया में। यहीं पर हमारा सभागार ऑडिटोरियम है सेकंड फ्लोर में, तो उस समय वहां वो हमारे यहाँ पर आए थे मार्च में, और उनके लिए हम लोग एक मतलब नागरिक सम्मान हम लोग यहाँ आयोजित किए। वो उड़ीसा दौरे पर आए हुए थे, उड़ीसा सरकार के द्वारा निमंत्रित। उड़ीसा के राजा एवं युवराज की मैं बात कर रहा हूँ, सॉरी इंडोनेशिया के राजा एवं युवराज की मैं बात कर रहा हूँ, वो यहाँ पर आए 3 दिन के उड़ीसा दौरे पर, उड़ीसा सरकार के निमंत्रण पर। उसी समय उनकी भी इच्छा हुई कि वे कटक भी एक दिन हम लोग जाएंगे और वहां जो मीडिया हाउस से मिलेंगे, तो उसी संदर्भ में वो इसी साल मार्च में वो हमारे यहाँ भी आए थे क्रांति उड़ीसा मीडिया के सभागार में। हमने सबके बीच में लोगों के बीच में उनका नागरिक सम्मान किया, सम्मानित किए, और हम लोगों की 4 चाय पर चर्चा हुई करीब, या मतलब 1 घंटा करीब उनके जो डेलीगेट्स आए हुए थे इंडोनेशिया वो यहाँ पर हमारे यहाँ 1 घंटे करीब रहे। और ऐसे ही उड़ीसा और इंडोनेशिया के बीच में डेलीगेशन का आदान प्रदान बराबर होता रहता है, बराबर यहाँ से भी लोग जाते हैं वहां से भी लोग आते हैं। और उन्होंने एक दिन कटक में दिया, हमारे यहाँ क्रांति उड़ीसा में दिया राज परिवार ने इंडोनेशिया के ने, और फिर 2 दिन वो लोग भुवनेश्वर में बिताए, तत्पश्चात वो लोग अपने स्वदेश वापस चले गए। और यहाँ कटक में जोबरा में एक बहुत बड़ा म्यूजियम भी है, उसी को मतलब इसी संदर्भ में जो उड़ीसा के लोग जो जाते थे इंडोनेशिया और कैसे कैसे जाते थे, कि बहुत सारे आजकल तो सब चीज के साधन है। अब आप सोचिए कि आज से सैकड़ों हजारों साल पहले जो नौकाएं यहाँ से जाती थी वहां पर इंडोनेशिया में किस तरह जाती होगी। अब यहाँ के लोगों की सूझबूझ समझदारी और मतलब विद्वता के मतलब दाद देनी पड़ेगी कि कैसे कैसे मतलब रास्ते भर में कितने कितने तूफानी संकट आए होंगे, कितने लोग जल समाधि दे दिए होंगे। लेकिन वो लोग जो दिन में जाते थे वो अपने दिन के तो उजाले में जाते थे, रात को चंद्रमा की रोशनी में या जो ध्रुव तारा है और सप्तऋषि मंडल है जो हम लोग पढ़े हैं बचपन में स्कूलों में, उनके हिसाब से कैसे कैसे वो जाते थे। मानना पड़ेगा कि सैकड़ों हजारों साल पहले उनकी वैज्ञानिकता, उनकी बुद्धिमत्ता, उनकी विद्वता, कि वो जाते भी थे हजारों किलोमीटर यहाँ से और आते भी थे हजारों किलोमीटर। आज के दिन तो सभी संसाधन है, और जब से यहाँ पर अंग्रेज आए, स्टीमर वगैरह लेके आए, मोटर बोट लेके आए, स्टीमर वगैरह लेके आए, तब से और उड़ीसा का कारोबार इंडोनेशिया में जाना आना लगभग बंद ही हो गया। आज जो सब बल यात्रा हम लोग मनाते हैं वो प्रतीक के स्वरूप मनाते हैं। और एक बात हो खास तौर पर, और एक बात मैं बोलूंगा कि जो कार्तिक महीना है ये हम हिंदुओं के लिए बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है, और यहाँ पर उत्सवों का बहुत उत्सव भरे हैं कार्तिक महीने में। दिवाली उत्सव कार्तिक महीने में आती है, गोपाष्टमी महोत्सव वो कार्तिक में आता है, देव उठनी ग्यारस वो कार्तिक में है, तुलसी विवाह वो कार्तिक में है, हमारे जो आराध्य देव श्याम बाबा का जन्मोत्सव वो कार्तिक महीने में 11 को अभी अभी पिछले दिनों ही गया था। और कार्तिक महीने में खास तौर पर पूरी श्री जगन्नाथ मंदिर में 5 दिन ये जो पंचक बोलते हैं, आज तो पंचक का आखिरी दिन है, कार्तिक पूर्णिमा है, 5 दिन तक लाखों लाखों लोग पूरी श्री जगन्नाथ मंदिर में जाते हैं मत्था टेकने के लिए। और सारे उड़ीसा में सारे भारतवर्ष में नदियों में डुबकी लगाकर आस्था की डुबकी लगाते हैं। ये बहुत बड़ा ही पवित्र हमारे हिंदुओं में खास तौर पर ये जो 2 महीना खास तौर पर माना गया पवित्र महीना, एक तो श्रावण महीना और एक कार्तिक महीना, और ये कार्तिक महीने के पूर्णिमा का दिन है, बहुत ही पवित्र दिन है। आज ही के दिन यहाँ पर बस यात्रा आरंभ होती है। सभी से आग्रह है कि समय निकालकर, अभी तो 8 दिन यहाँ पर बस यात्रा चलेगा, समय निकालकर बस यात्रा अवश्य जाए। और वहां पर जैसे प्रधानमंत्री मोदी भी बोलते हैं ना, लोकल फॉर वोकल, यहाँ पर जो सब छोटी छोटी कंपनियां नई कंपनियां भी आई हैं और जो SSG ग्रुप है वहां से कुछ न कुछ सामान खरीदे अपने घर लेके आए और सभी को सशक्त बनाने में
मदद करें। जय हिंद, वंदे मातरम।